हेलो दोस्तों, एक बार दोबारा से आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पर। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, यस बैंक के ऊपर दोबारा चर्चा कर लेते हैं। नीचे किसी ने कमेंट करके पूछा, सर यस बैंक के ऊपर वीडियो बना दीजिए। तो मैंने सोचा चलिए एक बार बना लेते हैं। राइट, हमारा जो 15 रुपये का इसमें टारगेट था वो अचीव हो चुका है सेल की तरफ। अब दोस्तों, इसमें आज 5% की मूव देखी गई है। तो दोस्तों, देख लेते हैं कि यस बैंक में ये जो मूव आई है इसमें कितने लोगों ने इसमें अपना हिस्सा पार्टिसिपेट किया है और कितने लोगों ने डिलीवरी उठाई है। तो एक बार देख लेते हैं डिलीवरी परसेंटेज क्या है, और बाद में वीडियो को अंत तक देख के जाना। इसमें शेयर करूँगा मेरी खुद की स्ट्रैटेजी। इस स्टॉक में अगर आज 5% का अप है तो आप जल्दीबाजी ना करें, थोड़ा पेशेंस करें और वेट करें। राइट, जब तक ये स्टॉक एक मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज नहीं कर देता है, जो मेरा खुद का एक सीक्रेट मूविंग एवरेज है, तब तक इसके ऊपर एक क्लोज नहीं करता है, तब तक मैं खुद पर्सनली इसको बाय नहीं करूँगा। अगर आपको बहुत जल्दी है तो आप कर सकते हो। तो वीडियो के अंत में रिवील करूंगा मूविंग एवरेज क्या है, तो आप बने रह सकते हो। पहले लेके चलता हूँ एनएफटी की डिलीवरी परसेंटेज की तरफ, यस बैंक की। तो दोस्तों, देख सकते हो जो लेटेस्ट न्यूज़ है यस बैंक की। तो यस बैंक स्टॉक राइज ओवर 6.4%, स्नैप 6 डे लूजिंग स्प्री। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि क्या होता है दोस्तों, जब कोई स्टॉक लगातार 4 से 5 दिन नीचे गिरता है तो एक छोटा सा उसमें रिट्रेसमेंट, एक बाउंस देखा जाता है। तो उस बाउंस में आपको ज़्यादातर सेल ही करना होता है, जो स्ट्रेटजी कहती है। राइट, जैसे आपने आप निफ्टी को देखा होगा, जो आज बाउंस आया था मॉर्निंग का, वो नीचे की तरफ सेल हो गया। तो यही होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ वेट कीजिए कंफर्मेशन का। अब वो वेट कैसे करोगे, अभी आपको बता देता हूँ उसके डिलीवरी परसेंटेज चेक करके। दोस्तों देख सकते हो 15 रुपये 80 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। राइट, और अगर हम देखें सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी परसेंटेज, तो आप दोस्तों देख सकते हो टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुई है इसमें 18 करोड़ के आसपास, और जो ग्रोस क्लाइंट लेवल है इसमें 7 करोड़ के आसपास की मतलब डिलीवरी उठाई गई है। मतलब 39% के माल उठाया गया है। तो 39% एक बड़ा नंबर नहीं है, जब तक ये 50% के ऊपर नहीं होता तो मेरे लिए वो बड़ा नंबर नहीं होता है। शायद आपके लिए एक बड़ा नंबर ये होगा, तो मेरे लिए ये बड़ा नंबर नहीं है। तो डिलीवरी के हिसाब से ये स्टॉक अभी मेरे हिसाब से बाय की तरफ नहीं है, मतलब कि अभी एक कंफर्मेशन नहीं दे रहा है कि आपको बाय करके चलना चाहिए। अब देख लेते हैं चार्ट में हमें क्या दिखता है। अगर चार्ट में हमें कुछ संकेत मिलते हैं बाय के, तो हम डेफिनेटली इसको बाय करके चलेंगे। लेकिन पहले ही मैंने बताया ना आपको, आपको आंखें बंद करके बाय नहीं करना है, आपको देखना है कि प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है। आज का प्राइस एक्शन तो बोल रहा है कि ये बाई है, लेकिन क्या पता कल इसका हाई क्रॉस होते ही, मतलब हाई टच होते ही ये शो दोबारा नीचे आ जाए। इसलिए हमें देखना होता है पूरे तरीके से। राइट, तो मैं आपको दिखाता हूँ मैं किस तरीके से देखता हूँ यस बैंक को। तो दोस्तों, मैंने यस बैंक का चार्ट खोला, जैसे मैंने आपको बताया इसमें आपको एक मूविंग एवरेज अप्लाई करना है। ये 9 मूविंग एवरेज नहीं है, 7 मूविंग एवरेज आपको अप्लाई करना है इस स्टॉक के लिए। अब डन कर दीजिए, जैसे 7 मूविंग एवरेज आपने अप्लाई किया, तो दोस्तों देखिए अब हम इसको बाय कब करेंगे। राइट, देखो मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ हैकेनेशी कैंडल पर, ठीक है। मुझे पर्सनली हैकेनेशी कैंडल पसंद आती है। तो दोस्तों देखिए, हैकेनेशी कैंडल में अभी तक ये आपको डाउन ट्रेंड ही दिख रहा होगा, क्योंकि देखिए दोस्तों ये अभी रेड रेड बन रहे हैं। राइट, और अभी तक ये स्टॉक 7 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज नहीं करा है। तो दोस्तों समझिए बात को, प्राइस एक्शन को समझिए थोड़ा आप। जब तक ये स्टॉक ना, ये दोस्तों रिट्रेसमेंट होती है, आप बात को समझिए, ये सब रिट्रेसमेंट का काम होता है। ये स्टॉक इतना गिरा है, यहाँ से लेके यहाँ तक गिरा है, तो ये थोड़ा बहुत तो रिट्रेसमेंट करेगा ना। अगर आप इसका रिट्रेसमेंट निकालोगे इधर से लेके इधर तक का 50%, वो निकल के आता है कम से कम 17 रुपये तक। तो 17 और 16.5 रुपये का इसका रिट्रेसमेंट पार्ट है। बात को समझिए, कोई भी स्टॉक अगर गिरता है या बढ़ता है उसको अपना रिट्रेसमेंट करना पड़ता है। वो एक तरीके से ऊपर नहीं चढ़ सकता, 90 डिग्री का एंगल नहीं बना सकता ऊपर चढ़ने के लिए। राइट, उसको रिट्रेसमेंट लेना ही पड़ेगा। तो ये स्टॉक भी अब रिट्रेसमेंट ले रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्टॉक ऊपर नहीं जाएगा, डेफिनेटली जा सकता है। अगर प्रॉफिट अच्छे होंगे, ग्रोथ अच्छी होगी, न्यूज़ अच्छी होगी, तो डेफिनेटली ऊपर जाएगा। लेकिन ऊपर जाने के लिए आपको एटलीस्ट आपके पास कोई सेटअप होना चाहिए। तो मेरा जो सेटअप है मैं आपको बता रहा हूँ, जब तक ये स्टॉक 9 7 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज नहीं करता यस बैंक, मैं इसको बाय करने के बिल्कुल भी नहीं सोचूंगा। अब आप बोलोगे सर ये कब क्लोज करेगा, ये मुझे भी नहीं पता। क्या पता अगले हफ्ते कर दे, क्या पता कल कर दे, क्या पता 2 दिन बाद कर दे। तो जब तक क्लोज नहीं करता है 7 मूविंग एवरेज के ऊपर, हम इसको देखेंगे देखेंगे तक देखेंगे नहीं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जब तक इसकी क्लोज नहीं करता, आप इसको देखो मत, आप सिर्फ इसको ऑब्जर्व करो। अब क्लोज करने का मतलब क्या है, आपको दिखाया तो एग्जाम्पल के तौर में पास्ट में, देखो ये 7 मूविंग एवरेज का मतलब ये होता है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, देख सकते हो दोस्तों, देख सकते हो कि प्राइस यहाँ क्लोज किया नीचे की तरफ, नीचे गिरा, और उसके बाद दोस्तों देखिए एक बार ये क्लोज यहाँ पर करा, तो ये होता है क्लोजिंग। राइट, ऐसी कुछ कैंडल क्लोज करे, एक बार ये क्लोज करा, दूसरी बार दोस्तों देख सकते हो ये क्लोज करा,
ठीक है। तो ये होता है क्लोजिंग का मतलब। ठीक है दोस्तों, यहाँ क्लोज करने का स्टॉक रॉकेट हो गया, यहाँ क्लोज करने का रॉकेट हो गया, राइट। तो जब तक ये क्लोज नहीं करता आपको बाय नहीं करना है। और दोस्तों देखिए, जब ये दोबारा से नीचे क्लोज करा, सात के नीचे, स्टॉक लगातार नीचे गिर रहा है डाउन ट्रेंड में, तो आपको समझना पड़ेगा। हर स्टॉक की एक खुद की चाल होती है, चाल को आपको फॉलो करने के लिए एक मूविंग एवरेज अप्लाई करना पड़ेगा, राइट। आप मूविंग एवरेज कोई सा भी अप्लाई करो, लेकिन मैं पर्सनली इस स्टॉक में सात मूविंग एवरेज अप्लाई करता हूँ। तो आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप यस बैंक में ट्रेड करते हो तो ये सीक्रेट मूविंग एवरेज अप्लाई करो यस बैंक पर, डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपको पैसा बन सकता है। तो बस इस स्टॉक में इतना ही, मिलता हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में।